नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और स्टेट न्यूज हरियाणा का राजमंत्र प्रोग्राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनको बधाइयां, और जो प्रत्याशी ये चुनाव हार गए हैं उनके लिए सीख का समय है। और साथ साथ जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है उनको भी ढेर सी बधाइयां, और जो पार्टी सरकार से चूक गई है उनके लिए भी ये सीखने का समय है। लेकिन राजमंत्र के अंदर हम हरियाणा की एक एक सीट के ऊपर जो हार जीत हुई है उसका विश्लेषण करेंगे कि आखिर जो हार के कारण है वो क्या रहे हैं, और आखिर अगर कोई जीता है तो उसकी जीत के पीछे के कारण क्या रहे हैं। तो पहली सीट हम रोहतक का चुनाव करते हैं। रोहतक सीट के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो एक भारी मार्जिन से इस सीट को जीतने में कामयाब रहे हैं। तो उनकी जीत के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो वही अरविंद शर्मा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो यहां से हारे हैं, तो उनके जो हार के कारण हैं वो क्या रहे हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। चलिए पहले दीपेंद्र हुड्डा की जीत से ही शुरुआत कर लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को बहुत सारी बधाइयां, लेकिन अब उनकी जीत का विश्लेषण करते हैं कि आखिर किन पॉइंटों के कारण या जो फैक्टर रहे वो क्या क्या हैं जिनके कारण दीपेंद्र हुड्डा को जीत नसीब हो पाई है। सबसे पहले जो दीपेंद्र हुड्डा की चुनावी रणनीति थी वो सबसे बेहतरीन थी, और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में पहले से बने हुए थे। टिकट ना मिलने से पहले भी उन्होंने जो प्रचार प्रसार है वो किया हुआ था। इसके साथ साथ अगर सबसे पहली बात पे मैं आऊं कि जब बीजेपी ने अपनी टिकटें घोषित कर दी थी और अरविंद शर्मा चुनावी मैदान में उतरे, तो उस समय पे सबसे पहले एक बात जनता के अंदर फैली कि जो अरविंद शर्मा है वो जनता के बीच में आए नहीं है। तो अरविंद शर्मा का विरोध हुआ और वही बहुत तेजी से वायरल होने लगा, फैलने लगा जब अरविंद शर्मा गांव में जाते थे। ये भी एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा ही था कि अरविंद शर्मा को इतना वायरल कर दिया जाए कि उनके बारे में लोग सोच ही ना पाए। उससे आगे अगर चलें तो जो चुनावी जुमले थे वो भी जो दीपेंद्र हुड्डा हैं या कांग्रेस पार्टी है वो भी उनको भुनाने में कामयाब रही। एक जो अग्निवीर योजना रही उसको भी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ये साबित करने में कामयाब रही कि ये क्षेत्र के लिए नुकसानदेह चीज है और क्षेत्र में इसका विरोध होना चाहिए, ये साबित करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। उसके साथ अगर बात करें, कांग्रेस ने जो इलेक्शन लड़ा है वो बिल्कुल ही नीचे लेवल तक जाकर के लड़ा है। गांव का इलेक्शन इसको बना दिया गया था। जो सरपंच हैं इस इलेक्शन के अंदर सरपंची के हिसाब से जो लोकसभा का इलेक्शन है वो लड़ा गया, गांव गांव के अंदर इस इलेक्शन को लड़ा गया। जो वोटर सरपंची के समय भी वोट देने से कतराते थे या वोट देने के लिए पहुंच नहीं पाते थे, उन वोटर्स को भी बूथ पर बुलाया गया और उनसे भी जो वोटिंग है वो करवाई गई और उन वोटर्स ने वोटिंग की। ये भी एक बड़ा फैक्टर सामने रहा। दूसरी जो एक और रणनीति कांग्रेस ने अपनाई वो ये रही कि जो सरपंच थे जितने भी या जो ब्लॉक समिति के कैंडिडेट थे ज्यादातर, उनके ऊपर कांग्रेस ने कब्जा जमाने की कोशिश की और उनको अपना बनाने की कोशिश की। उनको यह साबित कर दिया कि अगर तुम्हारा कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है जो तुम्हारा भला कर पाएगी। उसके साथ अगर बात करें गांव के अंदर, जब कांग्रेस कार्यकर्ता जाते थे या दीपेंद्र हुड्डा जब भी गांव के अंदर जाते थे तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गांव के अगर तबकों की बात करें तो जो गांव का गरीब तबका होता है उसको ये समझाने में कामयाब रहे कि अगर दीपेंद्र हुड्डा जीत जाते हैं तो आपको 8500 रुपए हर महीने मिलेंगे, और ये गांव गांव में ये बातें फैलाई गई, पहुंचाई गई और लोगों से आधार कार्ड तक भी लिए गए, ये बात भी सामने आई। तो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही नीचे लेवल तक जाकर के लड़ा है और चुनाव जो रणनीति है वो कांग्रेस की अलग रही। अब दूसरी एक बात और कर ली जाएगी, कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा ही एक और चीज शामिल रही। जो प्रत्याशी यहां से पिछली बार जिन पार्टियों के प्रत्याशी खड़े हुए थे जिनमें से कि एक पार्टी बसपा है और दूसरी पार्टी इनेलो है, अगर इनेलो पार्टी अब की बार भी नफे सिंह राठी परिवार से किसी इनेलो के कार्यकर्ता को यहां से खड़ा कर देते, यहां से इलेक्शन लड़वा देते,
तो जो जाट वोट है उसके ऊपर असर पड़ता और वो पूरा का पूरा जो डेंट है वो होता दीपेंद्र हुड्डा को और कांग्रेस को। लेकिन एक समझौते के तहत यहां से इनेलो का प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ। दूसरा जो प्रत्याशी बसपा से यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, जो प्रत्याशी बना दिया गया था, उसको भी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस ने समझा बुझाकर इलेक्शन से गायब कर दिया। और वही जो एससी वोट जाना था उसको, वो एससी वोट जो डेंट पड़ना था वो भी दीपेंद्र हुड्डा को ही पड़ना था, और इसके बाद वो एससी वोट भी जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को ही मिल पाया। जाट वोट के अंदर एकजुटता पैदा करना, जो जाट बेल्ट थी उसके अंदर ये बात फैलाई गई कि वो पहलवान विरोधी है, किसान विरोधी है, जाट विरोधी है, और ये बात समझाने में कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा सफल रहे, जिसके कारण कि जाटों ने बीजेपी को अपना दुश्मन मान लिया और बीजेपी के विपक्ष में एक मुश्त जो वोट है वो जाटों ने की, जिसके कारण कि इतना भारी जो मार्जिन है वो निकल करके आया। हालांकि कहीं कहीं पे बोगस वोटिंग की बातें भी सामने आई है, वो कितनी तथ्यात्मक थी, कितनी सच थी, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर चेकिंग होगी तो वो बातें सामने आ जाएंगी, कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन अब की बार जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वो इतने बेहतरीन तरीके से लड़ा कि बीजेपी उस चुनाव की रणनीति को समझ ही नहीं पाई और दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। और अब बात करेंगे अरविंद शर्मा की कि अरविंद शर्मा की हार आखिर हुई तो कहां हुई। सबसे पहली अगर बात करें अरविंद शर्मा की तो वो बात यहीं से शुरुआत करते हैं कि अरविंद शर्मा का जो मेलजोल था वो पब्लिक के बीच में बहुत ही कम था। अरविंद शर्मा लोगों के बीच में बहुत कम जा पाए, या फिर मैन टू मैन जो कनेक्शन था वो बहुत कम था। यहां तक कहना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कि जो मंडलों के अध्यक्ष होते हैं शायद उनके नाम भी अरविंद शर्मा बता पाए, ये शायद ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद शर्मा का पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं रहा। अगली जो चीज थी वो ये थी कि अरविंद शर्मा ये मान करके नहीं चल रहे थे कि उनको यहीं से टिकट दिया जाएगा, और ये भी एक बहुत प्रभावी कारण रहा जिसके कारण उन्होंने इस लोकसभा से लगभग दूरी ही बना ली थी। लोकसभा का जो मतदाता था वो उनको अपने से कनेक्ट नहीं कर पाया। अगली एक और बात है वो ये है कि जो अहिरवाल का इलाका है, जो कोसली विधानसभा थी, उसके अंदर एक दिग्गज नेता है राव इंद्रजीत राव साहब जिनको लोग बोलते हैं, उनसे भी इसी बीच अरविंद शर्मा का दूरी बना लेना, और लगभग सभी जो साल बीच के बीते इनके अंदर अरविंद शर्मा की जो दूरी है वो राव साहब से बनी रही, और उसी वो भी एक कारण यहां पे रहा कि स्पष्ट तौर पे ना तो राव साहब खुल करके उनके समर्थन में आए और ना ही जो कोसली का वोटर है वो खुल करके समर्थन में आ पाया, ये भी एक बड़ा रीजन यहां पे रहा। और साथ साथ जो अरविंद शर्मा के नजदीकी लोग थे, या अगर जिनको कहीं की बीजेपी के वो लोग जो कि अपने आप में नेता थे, या अपने आप में जो टिकटार्थी बनकर के घूम रहे थे, या अपने आप को एक कोर कार्यकर्ता कह रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो दगा है वो किया है। ये तो अब जो विषय है वो पार्टी का अंदरूनी विषय है, किसने दगा किया किसने नहीं किया वो तो आने वाली जो मीटिंग्स होंगी पार्टी की उनके अंदर उनको पता भी चल जाएगा, और अभी भी उन लोगों को पता होगा कि किस किसने दगा किया है और किन किन लोगों ने अरविंद शर्मा के साथ रहते हुए भी जो वोटिंग है वो विपक्ष में करवाई है। साथ साथ जो कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है वो बहुत बड़ी बात है कि इन कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। अगली चीज ये है कि पूरा का पूरा चुनाव अरविंद शर्मा ने नॉन सीरियस होकर के लड़ा है, क्योंकि उनको लगता था कि वो चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। उनका जो पूरा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी बेस्ड था कि नरेंद्र मोदी के आधार पर, या नरेंद्र मोदी तो है ही, उनके आधार पर वो चुनाव को जीत लेंगे, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इस गलत फहमी के चक्कर में शायद वो रह गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी कब तक सभी को चुनाव जितवाते रहेंगे एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि दो दो बार वो लोगों को जितवा चुके हैं। पिछली बार अरविंद शर्मा को भी यहां से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी काफी वोट मिला था, तो अब की बार वो वोट बैंक उनका खिसका तो खिसका क्यों, क्योंकि अरविंद शर्मा की अपनी बहुत सी ऐसी कमियां रही, और जो उनके साथ में जो भी लोग उनके चुनाव को मैनेज कर रहे हैं, जो भी लोग उनके साथ में रहे, उन्होंने भी चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, और यही कारण अरविंद शर्मा के लिए बहुत बड़ा रहा कि उनकी जो हार है वो बहुत बड़ी
बढ़ती ही चली गई। अब अरविंद शर्मा को यह सीखने का समय है या बीजेपी को सीखने का समय है कि कौन कौन पार्टी के गद्दार हैं या कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए काम सही से नहीं किया है और पार्टी के अंदर क्या क्या खामियां हैं, ये समीक्षा का विषय है। तो वही जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनके लिए भी इस समय समीक्षा का विषय है कि कौन सी रणनीति उनके काम आई है। मैं आपको उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो लोग इन दोनों ही नेताओं के साथ रहे और जिनको दोनों ही तरफ से हम टिकटार्थी कह सकते हैं कि जो टिकट के लिए कि उनको विधानसभा में टिकट मिल जाए इसलिए इन दोनों नेताओं के साथ घूम रहे थे। लेकिन ज्यादातर दोनों ही तरफ से अगर कहें तो 90% लोग वो रहे कि उनके खुद के गांव में वो चुनाव दीपेंद्र हुड्डा को नहीं जितवा पाए जो दीपेंद्र हुड्डा के साथ घूम रहे थे, और जो अरविंद शर्मा के साथ घूम रहे थे वो अरविंद शर्मा को चुनाव नहीं जितवा पाए अपने खुद के गांव से भी। ये 90% लोगों के साथ हुआ है और दोनों तरफ से हुआ है। चलिए अगली वीडियो में इस पर चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आगे आपके पास में जो वीडियो है वो लगातार आती रहे, और आपका इस विषय में क्या सोचना है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLET, CAC, PT, NDA, सैनी स्कूल और मिड्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था ले गया। हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।